हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम टू 10th क्लास साइंस इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर लाइट यानी कि चैप्टर 9 इज गोइंग ऑन। और इस लाइट वाले चैप्टर में आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए थे लेंस से किस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हम फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए कुछ लॉज का भी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पर चेक करते हैं कि लेंस के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें, और लेंस का अगर मैग्नीफिकेशन हमको डिटरमाइन करना हो तो किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, और इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करने के बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, और हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों लेंस फार्मूला। देखो, मैंने मिरर फार्मूला आपको बोला था, है ना, नोट किया था ना। तो लेंस फार्मूला को भी हम उसी तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो देखो, लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला के अंदर भी ये देखो कैसे लिख देंगे, दी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज यू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज वी एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज एफ द रिलेशन इन बिटवीन ऑल फैक्ट्स इज लेंस फॉर्मूला विच इज रिटन एज कैसे रिटन करें, 1/u - 1/v = 1/f। देखो, ये लेंस का फॉर्मूला है। मिरर के फॉर्मूला और लेंस के फॉर्मूले में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर मैंने मिरर में पॉजिटिव का साइन यूज़ किया था, और लेंस में यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ नेगेटिव साइन को, ठीक है ना। तो ये तो हो गया लेंस का फॉर्मूला। अब देखो, ये जो फॉर्मूले होते हैं ना बच्चों, इस फॉर्मूलों को हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो पढ़ाया था मैंने आपको, उस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डन डेवलप किया जाता है इन फॉर्मूलोज को, ठीक है ना। क्योंकि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में आप लोगों ने देखा था कि मिरर के लिए यूज़ करें उसको, चाहे लेंस के लिए यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इधर लेंस से इधर वाली जो साइड है वो तो लेफ्ट मान लो आप, और इधर वाली साइड को आप मान लो राइट। तो देखो, ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है इसको हम मेन पॉइंट मान लेंगे लेंस के अंदर। मिरर में हम किसको मानते थे, पोल को मानते थे, तो इस ऑप्टिकल सेंटर को मेन पॉइंट मानेंगे, और जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है वो इसी ऑप्टिकल सेंटर से कर पाओगे, ठीक है ना। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप लेंस के लेफ्ट साइड में जाते हो तो जितनी भी डिस्टेंस आएंगी स्टूडेंट्स वो नेगेटिव में आएंगी, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप राइट साइड में जाते हो तो जितनी भी डिस्टेंस आएंगी वो सब पॉजिटिव में आएंगी, ठीक है ना। और अगर आप ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर अपर साइड में जाते हो, परपेंडिकुलर कहाँ हो गया, अपर साइड में हो गया ना, यानी कि अपवार्ड जाते हो, ये अपवार्ड डायरेक्शन ही तो जा रही है, तो इसको इस यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको आप पॉजिटिव में मेजर करोगे। और अगर आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवार्ड कंडीशन में जा रहे हो, ये डाउनवार्ड कंडीशन हो गई, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी उसको आप लोग किससे मेजर करोगे, नेगेटिव साइन से।
एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है किसके लिए, लेंस के लिए। और दूसरी बात आपको ध्यान में यहाँ पर क्या रखनी है स्टूडेंट्स, कि देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस का मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से आपके पास ये नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन का मतलब आपका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है ना, और रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो इट मीन्स कैसा है, ये कैसा है, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड जो इमेज होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो नेगेटिव साइन जब भी आएगा वो रियल और इन्वर्टेड इमेज को डिनोट करेगा, और अगर पॉजिटिव साइन आया तो इसका मतलब कहाँ पर बनाए इमेज, ऊपर बनाए अपर डायरेक्शन में, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को डिनोट करेगा, ठीक है ना। अब देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप जो फोकल लेंथ लेते हो, क्या लेते हैं, फोकल लेंथ लेते हैं, वो फोकल लेंथ आपको क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन की, ठीक है ना। फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव की कहाँ हो जाएगी, कॉनकेव के जो इमेज है वो इधर ही आके बनते हैं, उसकी हो जाती है नेगेटिव। तो इमेज अगर इधर आ रहा है कॉनकेव का, तो उसकी तो इमेज डिस्टेंस भी किस में आ जाती है, नेगेटिव में आ जाती है, है ना, आ जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो आ रहे हैं वे, तो उसके लिए कॉनकेव लेंस के लिए तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट को तो ऑलवेज आप प्लेस करते ही हो लेफ्ट साइड में, इसलिए ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हमको चेंज करने होते हैं ना न्यूमेरिकल करते समय, तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं, ये तो हो गया इसका मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला के बाद अब हम चेक करते हैं इसका क्या, मैग्नीफिकेशन। तो देखो मैग्नीफिकेशन को मैंने आपको डिफाइन तो कर दिया, डेफिनेशन तो वही रहेगी मैग्नीफिकेशन की, इसको डिनोट करेंगे एम से मैग्नीफिकेशन को। तो डेफिनेशन में तो कोई चेंज नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, यानी कि पहले तो क्या लेंगे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो होगा वही मैग्नीफिकेशन होगा, है ना, रेशो ऑफ द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इसको एच डैश से डिनोट करोगे, एंड हाइट HIGHT आएगा क्या, क्या EGST आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको आप डिनोट करोगे एच से, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यही होता है ना मैग्नीफिकेशन एम। और मैग्नीफिकेशन आपको क्या बताता है, मैग्नीफिकेशन हमको बताता है कि कोई भी जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से कितना मैग्नीफाइड है, है ना, यही तो बताता है हमको मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, वो जो बनने वाला इमेज है वो ऑब्जेक्ट से इनलार्ज है या स्मॉल है, यही तो मैग्नीफिकेशन होगा, कितना मैग्नीफाइड है, छोटा है या बड़ा है, जो भी है ये बताएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इसका फॉर्मूला डेवलप करना चाहें तो क्या बनेगा, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, क्या लेंगे आप, हाइट ऑफ इमेज HEI, हाइट की स्पेलिंग HEI, यहाँ भी सही कर लेना भाई,
हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं हम किससे, एम से। हाइट ऑफ इमेज को डिनोट करेंगे एच डैश से और इसको करेंगे एच से। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मैग्निफिकेशन का। अब देखो मैग्निफिकेशन जो होता है ये रिलेटेड होता है किससे, किससे रिलेटेड होता है बताओ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, मैग्निफिकेशन इज एल्सो रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कैसे डिनोट करूं मैं, एम इक्वल टू वी अपॉन यू, भाई v तो क्या हो गई डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गई और u क्या हो गई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। तो देखो फॉर्मूला क्या आ गया, m इक्वल टू एच डैश अपॉन h और m इक्वल टू v अपॉन u। अगर दोनों को मैं मिला के लिखना चाहूँ तो कैसे नोट कर सकता हूँ, यहाँ पे नोट कर दूँ मैग्निफिकेशन को। तो देखो m इक्वल टू एच डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैग्निफिकेशन और लेंस का फॉर्मूला हो गया और इन दोनों फार्मूलाज का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये तो यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। ये जो मैग्निफिकेशन है ना ये बताएगा आपको कितना मैग्निफाइड है आपका जो इमेज फॉर्म होगा, और जो इमेज फॉर्म होगा बच्चों उसको भी ये भी बताएगा कि वो रियल है या वर्चुअल है, वो इरेक्ट होगा या इन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैग्निफिकेशन आपको बताएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली जो चीज़ें मेन पॉइंट की जो ध्यान रखनी है, अगर m की वैल्यू क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए, सुन लेना मेरी बात को, अगर m की वैल्यू क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए तो जो आपके पास यहाँ पर इमेज ऑब्टेन होगा वो इमेज कैसा होगा, वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। और अगर आपके पास m की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, आंसर आएगा ना m की वैल्यू आ गई आपके पास पॉजिटिव, तो इमेज कैसा होगा, तो इमेज होगा बच्चों वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन होंगे यही आपको बताएंगे, क्योंकि अभी मैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बोल रहा था ना, तो किस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ना ये सारी चीज़ें आप सिस्टम से नोट करेंगे और फॉर्मूलेस को लिखेंगे, ठीक है ना, करिए नोट। चलो दोनों फॉर्मूलों को यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ए थ्री सेमी लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्वेश्चन है ए थ्री सेमी लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अपराइट, प्लेस्ड अपराइट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ 20 सेमी, इफ, यदि इसका जो इमेज है, इफ रियल इमेज इज एट 60 सेंटीमीटर, इफ रियल इमेज इज 60 सेंटीमीटर, इफ रियल इमेज इज एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, फ्रॉम लेंस,
देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हाँ ऑब्जेक्ट की पूछिए, ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है ना, और साथ में आपको निकालना है मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन, तो सॉल्व करो भाई। भाई क्वेश्चन पर जरा ध्यान देना, लॉन्ग यानी कि हाइट आ रही है किसकी, ऑब्जेक्ट की, 3 सेंटीमीटर है ना, अपराइट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पर, और कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 20, इमेज की डिस्टेंस है 60, और आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो वी आर गिविन, तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है भाई, एच से डिनोट करेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट को है ना, और फोकल लेंथ एफ गिवन है 20 सेमी, और इमेज डिस्टेंस V की वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर, निकालनी है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U की वैल्यू, और निकालना है आपको क्या, मैग्निफिकेशन M की वैल्यू। लेंस कौन सा है भैया, बिल्कुल ब्रैकेट में लेंस को लिखना बहुत ज़रूरी है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसी से काम चलने वाला है अपना, कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों। तो आप मेरे को ये बताइए कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल डिस्टेंस थी, फोकल जो लेंथ थी उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, बताया था ना मैंने, तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव कर दो, ठीक है ना, बाकी और कोई चेंज मत करिए आप लोग, क्लियर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला लाइए, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, ये आ गया आपके पास लेंस का फॉर्मूला है ना, और अब इस लेंस फॉर्मूले को आप यूज़ करके क्या निकालना है आपको, यू की वैल्यू निकालनी है, ये वाला निकालना है आपको, ठीक है ना, तो ट्रांसपोजिशन कर दो, और 1/U इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/U इक्वल टू हो सकता है 1/V माइनस 1/F, ध्यान से चेक कर लेना भैया मैं सही लिख रहा हूँ, देखो माइनस 1/U को उठा के मैं इधर ले गया, और इधर से 1/F को उठा के मैं इधर ले आया, ठीक है ना, अब वैल्यूज को रखिए, तो 1/U इक्वल टू 1/V, वी की वैल्यू क्या है 60, माइनस 1/F 20, पॉजिटिव साइन है, कुछ चेंज नहीं करना है, एलसीएम कितना आया 60, तो 1-3 है ना, क्या बचा आपके पास, 1-1/U इक्वल टू -2/60, और U इक्वल टू क्या हो जाएगा -60/2 इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, तो U की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पर प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट को हमने लेंस के लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर सो फार प्लेस्ड किया है, ठीक है ना, तो लिख दूं
सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेमी डिस्टेंस लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ठीक है भाई, लेफ्ट साइड में, तभी तो यहां माइनस को साइन आया हुए भाई, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट आपका, तभी तो माइनस आया है। अब आपको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन के लिए आप लोग यूज करो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू, है ना। तो भाई आपको पहले इमेज की हाइट निकालनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमको दे ही रखी है। तो देखो यूज करूं मैं एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू, और एच डैश की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो एच इंटू वी अपॉन यू, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो इमेज की तो हाइट निकालनी है मेरे को, तभी तो मैग्निफिकेशन लाऊंगा मैं भाई। मैग्निफिकेशन के लिए एच डैश की वैल्यू चाहिए और एच की चाहिए। एच की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, एच डैश की तो नहीं है ना, तो एच डैश की वैल्यू मेरे को डिटरमाइन करनी है पहले। तो डिटरमाइन करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला बना लिया। अब देखो इसका 3 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 60, और यू की वैल्यू कितनी है -30। ये 2 टाइम्स गया, कितना आया -6 सेंटीमीटर आ गई इमेज की हाइट, है ना। अब मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो तुम लोग, एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, एच डैश की वैल्यू कितनी आई -6, और एच की कितनी है 3, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2। तो देखो माइनस का साइन आ गया मैग्निफिकेशन में। अब इस माइनस के साइन से मेरे को क्या क्या पता लग रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एक तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर जो इमेज की हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है ना, और ऑब्जेक्ट की हाइट है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट का जस्ट डबल बना है, और अगर नेगेटिव साइन आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड गया, और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड गया तो वो कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो देखो द इमेज इज 2 times इनलार्ज, भाई दोगुना है इनलार्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट विच इज, जो कि कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस के साइन से लिख रहा हूं मैं, और ये क्लियरेंस देना आपको बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहां पर ये वाली क्लियरेंस दी है इमेज वो उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ये क्लियरेंस देना जरूरी है, और ये क्लियरेंस देना जरूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन है ना, ये सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा अगर आप ये नोट नहीं करते हो। तो ये दोनों लैंग्वेज की जो लाइन्स हैं इनको जरूर ध्यान में रखो। तो देखो बच्चों पूरे क्वेश्चन में वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी समझ नहीं आई हो, बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एच डैश निकालना था, और एच डैश निकालने के लिए मेरे पास वैल्यू क्या क्या है, मेरे पास वैल्यू थी वी की और यू की, तो इन चारों का यूज़ करके मैं एच डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, तो मैंने निकाली। और जब एच डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई तो मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, तो एच डैश की वैल्यू रख दी और एच की रख दी, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन आ गया मेरे पास -2, और माइनस का जो साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड हुआ है,
और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जो भी इमेज फॉर्म होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, रियल और इन्वर्टेड होते हैं, है ना। और यहाँ पर m की वैल्यू 2 आई है, इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है वो इमेज 2 टाइम्स इनलार्ज है। भाई दो गुना बड़ाई तो बन रहा है, तभी तो 2 आई है वैल्यू। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और नोट कर देता हूं मैं, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनवेक्स लेंस इज, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनवेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, है ना। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर देन फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, देन फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज की साइज और नेचर आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। वही कॉन्वेक्स लेंस है, गिवन है आपको क्या क्या, फोकल लेंथ, एफ की वैल्यू कितनी 50 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। निकालनी क्या है, इमेज डिस्टेंस U की वैल्यू, ऑब्जेक्ट U होता है और ये V होता है, और आपको मैग्नीफिकेशन, नेचर के लिए मैग्नीफिकेशन बताना पड़ेगा, M की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो बाय लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। आपको निकालना क्या है, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की तो दे ही रखी है ना, और 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। कॉन्वेक्स लेंस इसलिए फोकल लेंथ किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव। वैल्यू को पुट करिए, 1/50 प्लस 1/u, u हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में चला गया ना ये आपका ऑब्जेक्ट। तो अब आप निकालिए क्या इसका LCM कितना है, 3 माइनस 5, तो 1/v इक्वल टू क्या आया, माइनस 2/150, और v की वैल्यू क्यों आ गई, माइनस 150/2 माइनस 75 सेंटीमीटर, यानी कि v की वैल्यू क्या आई, माइनस 75 सेंटीमीटर। यानी कि आपका इमेज किस तरफ बन रहा है, इमेज कहाँ गया, लेफ्ट साइड में गया ना। तो यहां पर लिखना पड़ेगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 75 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑन द लेंस, लेफ्ट ऑन द लेंस, लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस का साइन आया है। अब आपको नेचर बतानी है इसकी, तो नेचर के लिए क्या लेना है, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन में आपके पास हाइट तो है नहीं है, तो किसका यूज़ करोगे, बी अपॉन यू का। तो वी कितना आया, माइनस 75, और यू कितना है, माइनस 30, माइनस से माइनस किया, ये कितनी बार कट किया बताओ, ये
15 से 5 बाल और ये 2 टाइम्स, यानी कि m इक्वल टू क्या आ गया, 5 बाई 2 आ गया, इक्वल टू पॉजिटिव का आया 2.5, यानी कि ढाई गुना बड़ा बनाए इमेज, लेकिन कैसा है, कैसा है वर्चुअल और अपराइट, दस इमेज विल बी 22.5 टाइम्स, दस इमेज विल बी 2.5 टाइम्स द ऑब्जेक्ट विच इज वर्चुअल एंड अपराइट, लिख दो चाहे इरेक्ट लिख दो अपराइट, ये क्लियरेंस दे दी मैंने, इस तरह से आपको क्लियरेंस भी देनी है, ठीक है ना। तो देखो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए, और भी क्वेश्चन हैं जिनको भी आपको सॉल्व करवा देंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।